अगर आप बांस लगाने की सोच रहे हैं और बांस पर खेती करना चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका बांस कौन खरीदेगा। इससे जो हमारे सब्जी की खेती करते हैं उसको टेकी लगाने के काम आता है, जो संतरे के बागान उगाते हैं वो टेकी लगाने के काम आता है, फर्नीचर में काम आता है, बायोमास में काम आता है, कहते हैं कि इथेनॉल में भी काम आता है, लेकिन अभी तक मेरी सूचना के अनुसार भारतवर्ष में कोई भी इंडस्ट्री इथेनॉल की नहीं है जो बांस से इथेनॉल बनाती हो। इसी प्रकार जब पढ़ते पढ़ते मैं एक जगह पहुंचा तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये था कि बैम्बू से कपड़े भी बनते हैं। कपड़े बनने से पहले बैम्बू से यार्न बनाया जाता है। आज मैं आपको दो ऐसे विशेषज्ञों के बारे में बताऊंगा जो कहते हैं कि बांस से धागा भी बनता है और बांस से कपड़े भी बनते हैं, लेकिन इसकी सत्यता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आइए मिलते हैं दो बांस के जो इंडिया में जाने माने विशेषज्ञ हैं, वो क्या कहते हैं इसका कपड़े के बारे में। सेकेंड रेवोल्यूशन हुआ 2011 में, जब बैम्बू को क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया। ये सब बैम्बू के क्लॉथ हैं। आप हाथ लगा के देखिए, ऐसे बैम्बू की खासियत आपको नहीं समझ में आएगी। ये देखिए, इसकी खासियत मैं बताता हूँ जी। इसकी खासियत ये है कि गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म होता है ये कॉटन। हाँ, और इसके अंदर ना वायरस डेवलप होता है ना बैक्टीरिया डेवलप होता है। अभी आपने सुना भाटिया जी को जो हमें बांस से बने कपड़े भी दिखा रहे थे कि ये बांस से बना कपड़ा है और उसके गुण भी गिना रहे थे। आइए अब देखते हैं कि बलराम किसान जी उनका इसके बारे में क्या कहते हैं। हरियाणा में ऑलरेडी बायोमास खरीद करके हमने एक दो यूनिट लगा दी है जो पराली लेकर के, उसके साथ हम बैम्बू को एड ऑन करेंगे। अच्छा जी, तो ये तो हो गई इस पे बायोमास। इसी तरीके से आप कपड़े पर जा सकते हो, पेपर पे जा सकते हो, टिश्यू पेपर पे जा सकते हो। जो इंडिया में इस टाइम है, इंडिया में अब डल रही है, क्योंकि बैम्बू फॉरेस्ट का था, कच्चा माल था नहीं, इसलिए कोई इंडस्ट्री नहीं थी। अच्छा, इंडिया में अब यान की इंडस्ट्री आ रही है धागे की। मेरे पास ऐसे प्रपोजल है जिनको 450 टन पर डे का बैम्बू अगर अवेलेबल होता है जिसमें सेल्यूलोस कंटेंट ज़्यादा हो, तो कल वो जिस क्षेत्र से बैम्बू अवेलेबल होगा वहाँ पर कल इंडस्ट्री डालने का प्रोग्राम करेंगे। अगर आप आसाम में जाओगे, मैं अभी टूर करके आया हूँ, जितनी भी इंडस्ट्री वालों के पास जाओगे उनको बालकुआ चाहिए, कपड़ा उद्योग को बालकुआ चाहिए, मकान बनाने के लिए बालकुआ चाहिए, कोयला बनाने के लिए बालकुआ चाहिए, पैलेट्स बनाने के लिए बालकुआ चाहिए, क्योंकि इसमें वो किसान साथियों। अभी आपने सुना कि बैम्बू से धागा बनता है और बैम्बू से कपड़े भी बनते हैं। एक वीडियो देखते देखते मैं पहुंचा बांस का कड़वा सच। जो हमारे जाने माने बांस के एक्सपर्ट हैं गुरु कामेश सलाम जी, उनकी वेबसाइट पर यह वीडियो मुझे मिला जो गजानंद अग्रवाल जी ने बनाया है और उनसे चर्चा कर रहे हैं। आइए अब उनसे सुनते हैं कि बांस से बने कपड़े का सच क्या है। कौन सा वैरायटी ऑफ डियर बालकुआ? बालकुआ इज गुड फॉर स्कैफोल्डिंग हाउसिंग, इज अ स्ट्रांग बैम्बू। और तुलडा इज फॉर गुड फॉर तुलडा इज बीन मेकिंग बास्केट्स, वो बेंड होता है बैन, क्या बैन? अच्छा, इसका नोट्स लंबा है। तो मोजा, जो मोजा फेमस बैम्बू है चाइना का, जिससे थ्रेड्स बन रहा है, थ्रेड नहीं बनता है, सब झूठ बोल रहे हैं। तो फिर क्या बनता है उससे? मैंने कल पकड़ा ना इसको। अच्छा, मैंने बोला आपका सर्टिफिकेट दिखाओ। हाँ, अब देखिए, मैं आप बोलिए सर मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, सर्टिफाइड यू। हाँ हाँ, आप जयपुर में जाइए, आगरा में जाइए, बैम्बू का साड़ी बिका हुआ है। हाँ, इसे मार्केटिंग फंडा। अच्छा, तो फिर वो कि बैम्बू क्या है, फिर वो मौजा का फंडा क्या है? मौजा नहीं, दोस कंपनीज आर चीटिंग अस, तो दे आर नॉट सेलिंग बैम्बू थ्रेड्स। कहाँ बैम्बू थ्रेड, बताइए। अच्छा, कल तो मैंने पकड़ा इसको, गुस्सा हो गया। आप बोला, आप कौन ना पूछता है? अच्छा, तो मुझे देखिए, तो ये बैम्बू शर्ट्स बन रहा है, बैम्बू टॉवल बन रहा है, वो क्या है? कहाँ बन रहा है? ये नीचे एक आदमी बेच रहा है, इसको कल पकड़ा ना मैंने। अच्छा, झूठ है सर, इसमें 1-2% में भी ब्लेंडेड विद अदर थिंग्स, बट दिस नॉट बैम्बू। आपको सर्टिफिकेट चाहिए ना उसको, सोना जेन्युइन थी। अरे भाई साहब, आप भी थोड़ा अकल लगाइए। तो हम कल बोलेगा आई एम वेयरिंग बैम्बू कोट, यू विल बिलीव मी? तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, सी देखिए, इट्स अ वेरी पोल्यूटेड इंडस्ट्री। बैम्बू को धोने में, इसको एक्सट्रैक्ट करने में, इट लुक्स लॉट ऑफ केमिकल। ओह रियली? यस।
इज अ वेरी पॉल्यूटेड इंडस्ट्री, वो नहीं जो इंडिया का कर सकता था. ठीक है, द प्लान ऑफ बैम्बू फाइबर मे बी 50 लाख, बट प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट मे बी 2 करोड़. अच्छा, यूनिट एफ्लुएंट प्लान नो, उसे जितना गंदा निकलेगा ट्रीटमेंट करेगा, इट हैज टू बी क्लीन. तो पूरा दुनिया में जो बैम्बू शर्ट चल रहा है वो उसमें जैसे मेनली सम कंट्रीज हैज आल्सो बैन बैंड लाइक बिकॉज ऑफ केमिकल प्रोसेस, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ केमिकल एंड ऑल्सो जेन्युइनिटी नहीं है. सी दे आर ब्लेंडिंग विद अदर मटेरियल. यस, कॉटन 46% कॉटन बोलता है. हाँ 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 हाँ. सो आई दिस इज माई व्यू ऑनेस्टली. आई चैलेंज यू यस्टरडे, यू आई थॉट दिस इज टू मच. कल भी हम कपड़ा रखे बैम्बू, आप खरीद लेगा ना? हूज चेकिंग इट? अब बोले हूज चेकिंग इट? कौन चेक करने जाएगा? भैया बट जेन्युइनिटी तो दिखाना चाहिए ना, सर्टिफिकेशन होना चाहिए. मैंने बोला सीड्स के बारे में पूछा, सीड्स तो हेमल्टोनी है या बालकुआ है या हु विल सर्टिफाइड है. तो बैम्बू, यू डोंट थिंक द बैम्बू का क्लॉथ बनना चाहिए कि केमिकल प्रोसेस इज टू मच? आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट सैनिटरी नेपकिन बनाने के बैम्बू से. अच्छा, बैम्बू इज एंटीबायोटिक, बट आई एम नॉट गेटिंग द ब्रेक इवन बिकॉज द प्राइस इज गोइंग सो हाई दैट आई बी नॉट एबल टू मार्केट. राइट, एक नेपकिन में मुझे सिर्फ 8 ग्राम चाहिए पल्प. सिर्फ 8 ग्राम चाहिए पल्प चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है मैं सस्ता में. मिल रहा है बट कॉस्ट इज सो हाई, आई विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद द मार्केट. सो आई एम वर्किंग विद श्रीराम इंस्टीट्यूट दिल्ली ऑन दैट. यस, इफ इट कम, इफ आई हैव अ ब्रेक थ्रू देन लेडीज सैनिटरी नेपकिन डायपर वगैरह मैं बन सकता हूँ. सो ये जो लेडीज का जो बैम्बू बनाना चाहते हैं पल्प से, तो इट हैज अ बेटर सकिंग कैपेसिटी. इज एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक? यस. किसान साथियों, इस बात की जांच करने के लिए मैंने ऑनलाइन एक कंपनी ढूंढी, उसका नाम है वुडवूज. आप ऑनलाइन में गूगल करिए और आपको इस पर दिखाई देंगे ऑर्गेनिक कॉटन से बने उत्पाद और बैम्बू से बने उत्पाद. वहां से मैंने 2 टी-शर्ट मंगाई है. ये पहली टी शर्ट है जो उनके अनुसार उनकी वेबसाइट पर लिखा गया है. मेरे पास इसका बिल भी है, ये देखिए. ये कंपनी है 100% ऑर्गेनिक टी शर्ट. अब मैं इसे खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी टी शर्ट है. ये मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मंगाई है. इसका कपड़ा कुछ मोटा है और ये देखिए, इसके पीछे इस कंपनी का लोगो भी है. ये वुडवूज कंपनी है जो कहती है कि ऑर्गेनिक क्लॉथ है. ये मैंने उनसे मंगाया है. आइए अब मैं आपको बैम्बू यानी बांस से बनी टी शर्ट दिखाता हूं जो इसी कंपनी से मंगाई है मैंने. देखिए, इस पर भी लिखा हुआ है वुडवूज ऑर्गेनिक क्लॉथ्स और यहां पर लिखा है 100% बैम्बू, यानी इसमें जो धागा है वो 100% बांस से बनाया गया धागा है. आइए इस टी शर्ट को देखते हैं. ये निकली बैम्बू की टी शर्ट. ये देखिए, इस पर भी वही लोगो है और यहां पर लिखा हुआ है इसमें ऑर्गेनिक क्लोथिंग मेड सस्टेनेबली इन इंडिया, इनग्रीडियंट्स बैम्बू, यानी ये बांस से जो धागा बनाया है उससे टी शर्ट है. किसान साथियों, आपने गुरु कामे सलाम जी को सुना होगा, वो क्या कह रहे थे. इस बात की सत्यता की जांच करने के लिए जब मैं वुडवूज की वेबसाइट पर पहुंचा, मुझे कहीं भी ये सर्टिफिकेट नहीं मिला कि वो कहता हो कि हाँ ये बैम्बू की टी शर्ट है. अब आप वो कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं और ये खुश हो लेते हैं कि ये बैम्बू की टी शर्ट है. और ये शायद मुझे याद नहीं, इस शर्ट में और इस शर्ट के प्राइस में सिर्फ 200 रुपये का, ये शायद 499 की शर्ट है और ये शायद 799 की टी शर्ट है, ये मैंने मंगाई है. ये कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन अगर आप बाजार में जाएंगे तो बहुत से कपड़े जो बैम्बू के नहीं हैं वो इससे भी सॉफ्ट मिल सकते हैं आपको. किसान साथियों, जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो चारों तरफ ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि इससे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. मैं जो दिखा रहा हूं वो एक प्रमाण है, लेकिन मेरे पास ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है या इस कंपनी की वेबसाइट पर कहीं भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि ये 100% बैम्बू की है. अब इनसे कौन लड़े? इसका साफ साफ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये कौन से बैम्बू से यार्न बना है, किस कंट्री में बना है.
अगर आपके पास कोई सूचना हो तो अवश्य साझा करें। किसान साथियों, ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति के बांस के रहस्य के बारे में। मैंने जो अपनी सीरीज का नाम दिया था, बांस का रहस्य। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर अवश्य बताएं। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।